2020 was bad for everyone. हर किसी ने कुछ ना कुछ खोया है पिछले डेढ़ सालों में. Some lost their jobs, some lost their loved ones, and some nibbane bhi lost their girlfriends and boyfriends too. And you may ask, what did a student lose? Well, don't even get me started on this. So, hello humans, this is me Shamim, a first year medical student at Kazan State Medical University, Russia. And I am stuck in online education for the last 1 year or so. And this is how a typical day in my life goes. मैं अप्रॉक्स सुबह 7 बजे उठने की कोशिश करता हूँ एंड उठते ही आई गो डायरेक्टली टू किचन अपना नींबू पानी पीने के लिए. यू नो कोविड टाइम गटा कीप माई लिम्फेटिक सिस्टम बॉडी ऑन पॉइंट. बट वेट, दिस इज नॉट हाउ आई स्टार्ट माई डे. मैं अपने दिन की शुरुआत एक नाइट पहले करता हूँ टू डू लिस्ट बनाकर कि मुझे क्या पढ़ना है, विच टॉपिक्स आई हैव टू रिवाइज, दैट काइंड ऑफ स्टफ. इससे मुझे अगले दिन का पूरा पिक्चर क्लियर रहता है. और आज मैं यहाँ पे अपने वीडियो का स्क्रिप्टिंग भी कर रहा हूँ. नाउ बैक टू मॉर्निंग. ब्रश करके चेहरे पर पानी के 2 बूंद डालने के बाद आई हेड ओवर टू टेक अ शावर. आई विश तैयार होना इतना इजी होता. देन चाय से अपना दिमाग फ्रेश करने के बाद और अपनी बहन की सिली विश टू कम ऑन माई YouTube वीडियो पूरी करने के बाद आई गो थ्रू माई फोन फॉर सम टाइम. इसी बीच मेरे बड़े भाई का मैसेज आता है आस्किंग मी इफ आई वॉन्ट टू गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव टू कपिलवस्तु बिकॉज मौसम काफ़ी अच्छा था. लेट मी शो यू मौसम कैसा था. ये जो तेज हवाएं आपने अभी सुनी ये साइक्लोन यास की वजह से थी. चारों तरफ हरियाली, काले घने बादल, ये सब मिलकर आपस में काफी अच्छा एनवायरनमेंट सेट कर रहे थे एंड आई रियली एंजॉयड माय टाइम देयर. आफ्टर एंजॉयिंग द वेदर आई वेंट डायरेक्टली टू माई मेक शिफ्ट रूम जो कि यूजुअली रेंट पर रहता है बट नाउ नो वन लिव्स हियर सो मैंने इसको अपना स्टडी रूम बना लिया है. आई स्टार्ट माई स्टडीज बाई रिवाइजिंग व्हाट आई रेड प्रीवियसली. इससे मुझे ये पता चलता है कि मैंने कितना नॉलेज रिटेन किया है. रिविजन के बाद आई ट्राई टू स्टडी सम न्यू टॉपिक्स. देन आई स्टडी हिस्टोलॉजी बिकॉज फर्स्ट ईयर में हमारे सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी. 2 hours later. We came here but it turns out ki ye band hai. Such a bummer. Ab wapas jana padega. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get in. Gautam Buddha ne apne life ke 29 years yahi Kapilvastu mein guzare the. Historians mante hain ki unke death ke baad unke ashes ko yahi dafnaya gaya tha. 1 hour later. अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का बहुत गंदा वाला पोपट हो गया क्योंकि वो जगह बंद थी और मेरा मूड भी अभी थोड़ा सा ऑफ हो गया उसकी वजह से. तो अभी लंच का टाइम हो गया, लंच करते हैं देन उसके बाद पढ़ने चलते हैं. आफ्टर हैविंग द टेस्टी लंच मेड बाय माय मॉम मैं तुरंत पढ़ने बैठ गया. देन आई वेंट ऑन टू कवर सम एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऑफ एनाटॉमी विद द हेल्प ऑफ BTC एंड TCML YouTube वीडियोज. After maybe 1 hour, it's time for summer practice online Zoom class. अगर रशिया में मैं होता तो हॉस्पिटल्स में जाने का मौका मिलता, वो ब्लू वाला मेडिकल स्क्रब पहनने का मौका मिलता, but here I am on Zoom class, set life.
क्लास ख़त्म होने के बाद मैंने होमवर्क सबमिट किया और तुरंत एनाटॉमी पढ़ने बैठ गया। एनाटॉमी में मैंने पॉपलिटियल फोसा और बैक ऑफ थाई जैसे टॉपिक्स को कवर किया। एनाटॉमी पढ़ने में TCML के वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और मैं उसी के थ्रू अपने एनाटॉमी की पढ़ाई करता हूँ। फाइनली डन विद द स्टडीज। अब आता है दिन का मेरा फेवरेट पार्ट, चाय टाइम। तो चलिए चाय बनाते हैं। चाय पीने के बाद मैं वीक में एटलीस्ट 4 दिन एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि मेरे बॉडी में एंडोर्फिन्स का फ्लो बना रहे। एक्सरसाइज करने के बाद आई यूजुअली डोंट स्टडी, मूवी वगैरह देखता हूँ मैं। एंड जैसे ही मैंने फ़ोन को टाइम लैप्स पर लगाया, मेरा छोटा भाई आ गया। 2 hours later देन आई वेंट डाउनस्टेयर्स फॉर डिनर। खाना खाने के बाद आई केम बैक टू माई रूम एंड आई स्टडीड बायोलॉजी। जी हाँ, सही सुना आपने, फर्स्ट ईयर में हमारे बायोलॉजी भी होता है। फाइनल एग्जाम भी आने वाला है जून एंड में बायोलॉजी का। देन अगेन आई स्टडीड एनाटॉमी, बिकॉज एनाटॉमी काफ़ी रटने वाला टॉपिक है और टाइम भी लगता है। एंड आई कंप्लीटेड ट्रोकेंड्रिक एंड क्रूशिएट एनास्टोमोसिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ द होली ग्रेल TCML वीडियोज। इसके बिना मेरा एनाटॉमी में काम नहीं चलेगा। सारा पढ़ाई ख़त्म करने के बाद नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दो यार, अच्छा लगता है, वीडियो का रीच भी बढ़ता है और परम सुख की प्राप्ति भी होती है। और जिन जनाब को ये मेरा वीडियो पसंद नहीं आया हो वो 2 बार डिसलाइक भी कर सकते हैं। आई विल बी कैचिंग अप विद यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, कीप स्टडिंग एंड बाय।